गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास LKG सब्जेक्ट स्पोकन हिंदी, 19 दिसंबर 2020। आज का टॉपिक है तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, तीन रंग की खैतीस पट्टिया के बीच नील रंग के एक चक्र द्वारा सुरभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। ये तिरंगा के तीन रंग हैं। ऊपर है हरा, ऊपर है गेरुआ जो है त्याग के प्रतीक, बीच में है सफ़ेद जो है शांति के प्रतीक, और नीचे है हरा जो है विश्वास के प्रतीक, और बीच में जो चक्र है अशोक चक्र वो है प्रगति और उन्नति के प्रतीक। थैंक यू।